नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमबीपीएससी विद केके। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश दैनिक करंट अफेयर्स। और आज है 3 जुलाई 2020 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, जैसा कि सभी को मालूम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, IIMSC का महानिर्देशक किसे बनाया गया है? आपके ऑप्शन है संजय द्विवेदी, सेकंड ऑप्शन है आपका आशुतोष मुखर्जी, थर्ड ऑप्शन है आपका पुरुषोत्तम दास और फोर्थ ऑप्शन है आपका राम मनोहर। तो इसका राइट आंसर है आपका संजय द्विवेदी। जी हाँ, संजय द्विवेदी जी को बनाया गया है IIMSC का निर्देशक। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। यहाँ पर देखिए आप, संजय द्विवेदी जी महत्वपूर्ण तथ्य हम यहाँ पर देखते हैं। इसके पहले ये माखनलाल पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के प्रभारी कुलपति थे। ये इन्हें IIMSC का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। इस पर इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए नियुक्त होंगे। ये डायरेक्टर जनरल के रूप में होंगे तथा मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की वापसी के बाद इन्हें रजिस्ट्रार और बाद में कुलपति अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली? जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, यहाँ पर जो मंत्री होते हैं उनकी दो कैटेगरी होती है, एक कैबिनेट मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कैबिनेट मंत्रियों की, कितने कैबिनेट मंत्रियों ने यहाँ पर शपथ ली। आपके ऑप्शन नंबर एक है 20 कैबिनेट मंत्री, आपका ऑप्शन नंबर दो है 10 कैबिनेट, ऑप्शन नंबर 3 30 कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका 20 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो उन्होंने शपथ ली है मध्य प्रदेश में। 20 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने शपथ ली है। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इससे संबंधित। मध्य प्रदेश में कितने राज्य मंत्रियों ने शपथ ली? जैसा कि हमने लास्ट में पीछे डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश में कितने कैबिनेट मिनिस्टर्स ने शपथ ली, तो मैंने आपको बताया था कि दो कैटेगरी होती हैं। एक कैटेगरी में होते हैं आपके जो होते हैं कैबिनेट मंत्री और सेकंड कैटेगरी में होते हैं आपके राज्य मंत्री। तो यहाँ पर कितने राज्य मंत्रियों ने शपथ ली? आपके ऑप्शन नंबर एक है 8, 2, ऑप्शन नंबर 2 10 राज्य मंत्री, ऑप्शन नंबर 3 15 राज्य मंत्री, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 8 राज्य मंत्रियों ने, जी हाँ 8 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है कल जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था उसके अंतर्गत। चलिए आते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मध्य प्रदेश कैबिनेट विस्तार से। शिवराज कैबिनेट में कुल कितने पुराने चेहरे शामिल किए गए हैं? यहाँ पुराने चेहरे से हमारा तात्पर्य है इसके पहले कमलनाथ गवर्नमेंट के पहले जो शिवराज गवर्नमेंट थी 2018 विधानसभाओं के पूर्व, उसमें जो मंत्री शामिल थे उनमें से कितने चेहरों को दोबारा रिपीट किया गया है शिवराज कैबिनेट में? अगेन आपका ऑप्शन नंबर 1 है 7 पुराने चेहरे, ऑप्शन नंबर 2 10 पुराने चेहरे, ऑप्शन नंबर 3 20 पुराने चेहरे, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है यहां पर आपका 7 पुराने चेहरे। जी हां, 7 पुराने चेहरों को दोबारा से रिपीट किया गया है शिवराज कैबिनेट में। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं यहां से। तो यहां पर देखिए आप, शिवराज कैबिनेट महत्वपूर्ण तथ्य, भाजपा के 16 तथा 7 पुराने चेहरे जैसा कि हमने देखा, और नए चेहरे 9 शामिल किए गए हैं। जी हाँ, नए चेहरों में से कितनों को शामिल किया गया है? नए चेहरे शामिल किए गए हैं, 9 नए चेहरे इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तथा इसमें से कौन कौन बने हैं मंत्री, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट, यहाँ पर ये है पूरी मंत्री इसकी लिस्ट है, आप इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ जाकर आप इनके नाम पढ़ सकते हैं। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी से इम्पोर्टेंट एक और इन्फॉर्मेशन है कैबिनेट विस्तार से कि इसमें जो सिंधिया खेमे के 9 हैं, जैसा कि सभी को मालूम है कांग्रेस छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा उनके खेमे के जो विधायक थे वो BJP में शामिल हुए थे, तो उनके खेमे से 9 हैं। तथा कांग्रेस से भाजपा में आए, यह भी कांग्रेस से आए थे, परंतु जो सिंधिया खेमे के बाहर के हैं वो
तीन हैं लगभग सिंधिया खेमे के, ये हैं नौ आप देख सकते हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रभु राम चौधरी, प्रभुन्न सिंह चौहान, इमरती देवी, जयवर्धन सिंह, ओपीएस भदौरिया, गिरिराज दंतोड़िया, सुरेंद्र धाकड़, ब्रजेंद्र सिंह यादव, और कांग्रेस से जो आए हैं वो हैं हरदीप सिंह डंगर, विसाहू लाल सिंह और एंदल सिंह कंसाना। तो ये यहाँ पर सीधा सीधा इम्पोर्टेंट यह बनता है कि नौ यहाँ से सिंधिया खेमे के और तीन मंत्री बनाए गए हैं कांग्रेस से सीधे बीजेपी में आए लोग। चलिए जिस तरीके से हम लोग डेली बेसिस पर क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमारा आज का सवाल है जो कि आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, निष्ठा मित्र योजना से संबंधित हमारा क्वेश्चन है। तो निष्ठा मित्र योजना किससे संबंधित है, आपको अपने जो आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाके देना है। निष्ठा मित्र योजना में कई बार डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ में, तो आप जरूर से जरूर आंसर दीजिए, बिकॉज ऑफ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली इन एम पी करंट का ये काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप आंसर दीजिए, टाइप करिए, जरूर टाइप करिए। चलिए आते हैं हमारे डेली बेसिस पर हम लोग डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ स्टैटिक जीएस के क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे जाते हैं विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में, और यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, आप देखेंगे यहाँ पर सिंगरौली है, और इसके बाद देखिए सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है आपका, यहाँ पर अलीराजपुर है, और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है आपका, बुरहानपुर है, और सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपका, छिंदवाड़ा है। ये हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देखे। अब यहाँ पर देखिए, अब उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है मध्य प्रदेश की, 605 किलोमीटर है यहाँ पर देखिए, तथा हम यहाँ पर देखेंगे जो पूर्व से पश्चिम लंबाई है मध्य प्रदेश की वो देखेंगे 870 किलोमीटर है, कितनी है 870 किलोमीटर है। तथा साथ ही साथ देखेंगे हम सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, ये देखिए मुरैना, मुकुट के समान यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना है। इसी के साथ देखेंगे हम देशांतरीय स्थिति क्या है, 82.66 पूर्वी देशांतर से 74.59 पूर्वी देशांतर है। तथा अक्षांश स्थिति क्या है, आप देखिए 26.00 से 30 से लेकर यहाँ पर 21.06 उत्तरी अक्षांश, यह मध्य प्रदेश की देशांतरीय तथा अक्षांशीय स्थिति हमने यहाँ पर डिस्कस की। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट वी डिस्कस टुडे। आप क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहिए हमारे साथ।